गाइस हमने मंगवा लिया है ये मैंगो फ्लेवर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर से हम आ गए हैं कैफे किंग पर। आज हम इनकी ट्राई करने वाले हैं आइसक्रीम, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह का कोई भी नहीं था, क्योंकि ठंड वगैरह भी लगी पड़ी थी। तो अभी हम आए हुए गर्मियों में, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इनकी आइसक्रीम, इनकी जो वो स्टिक थी पोटैटो वाली उससे ज़्यादा अच्छी है या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं और उनकी आइसक्रीम वगैरह ट्राई करके देखते हैं। गाइस इनका जो भी है इनके पास फ्लेवर हैं और इनके जो भी रेट्स वगैरह हैं वो मैं आपको अभी सारे दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये रेट्स लिस्ट लगी हुई यहाँ पर, आप चेक करें, जो आपको खानी है वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं इनके जो आइसक्रीम वगैरह हैं वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे फ्लेवर पड़े हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कप वगैरह भी पड़े हैं जिसमें आपको ऑर्डर वगैरह करके देंगे, अगर यहाँ पर खानी है तो इसी कप वगैरह में देंगे। और यहाँ पर बर्गर वगैरह, सैंडविच और भी दूसरी चीज़ें बहुत ही सारी मिलती हैं। और एड्रेस वगैरह की बात करें तो मैं आपको एड्रेस वगैरह भी क्लियर फुल दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये कहाँ पर है, क्योंकि बाहर से बहुत ही लोग आएंगे खाने। यह होगा खैरपुर में, तो जो भी खैरपुर में जिनको नहीं मिलेगा तो मैं उनको एड्रेस दिखा देता हूँ अभी। सो गाइज, अगर आपको मैं एड्रेस बताऊं तो ये है नाजा पायलटरी स्कूल का रोड, जहां पर आपको ये मिलेगा टोटल पास 500 पेट्रोल पंप उसके नीचे ही आपको मिलेगा ये कैफ़े किंग। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर एक अतिया स्कूल है, उसी के बस अतिया स्कूल और नाजा स्कूल के बीच में ये पेट्रोल पंप है, उसी पेट्रोल पंप पर आपको मिल जाएगा ये कैफ़े किंग। तो अभी इनकी जो आइसक्रीम थी वो अभी ट्राई करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो भी आपको दिखा दें कौन सी हमने परचेज की है और उनका जो फ्लेवर है कैसा लग रहा है वो हम दिखा दें आपको। तो ये वही चीज़ें जो हमने पहले यहाँ पर आए थे, जो ऑर्डर वगैरह की थी यहाँ पर जो खाई थी। तो अभी हम तो आइसक्रीम खाएंगे क्योंकि गर्मी लगी पड़ी है। और वो एक तो न्यू चीज़ ओपन की है, ये तो पहले था शॉप, अभी इन्होंने आइसक्रीम का पोर्शन पूरा खोला है, तो अभी यही ट्राई करके देखते हैं। सो गाइज, हमने मंगवा लिया है ये मैंगो फ्लेवर, तो अभी ये टेस्ट करके देखते हैं कि इनके नाम की तरह ये भी अच्छा है या नहीं। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो नॉर्मल मिलती हैं कौन बाजारों में वगैरह में 100 या 80 रुपीज़ की, उससे तो ये बहुत ही बेहतरीन है। बाकी जो रेट्स वगैरह हैं वो तो मैंने आपको सारी लिस्ट पे दिखा दी थी। ये मैंने मैंगो इसके लिए लगवाया क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ की खा रहा हूँ, तो मैंगो तो सबको अच्छा ही लगता है, इसके लिए मैंने मैंगो करवा दिया था। टिशू वगैरह में भी इन्होंने पैक करके दिया है बड़ी अच्छी तरह, ये रबड़ भी लगा के दिया है ताकि आपका गिर ना जाए। अभी छोटे बच्चों की तरह खा के देखते हैं। मैंगो फ्लेवर मतलब मैंगो और मैंगो फ्लेवर, मैंगो में जो भी फ्लेवर्स वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें बनी होती हैं ना आम में, सबको अच्छी लगती है। गर्मियों में ठंडी चीज़ ऑसम लग रही है। तो एक बार आप भी ट्राई करना है किंग के पेपर लुकमान खैरपुर में। तो गाइस, मैंगो फ्लेवर खा के तो हमें बड़ा ही मज़ा आ गया। तो हमें तो उनसे भाई वालों ने पैसे नहीं लिए, कितने का तो हमें तो पता ही नहीं है, ये अगर लेते तो हमें हम आपको बता दें कितने का है। तो गाइस, वहाँ पर स्ट्रीट फूड भी था और आइसक्रीम भी थी और एक कुल्फ़ी मिलती है तकरीबन 100-150 की, वो भी थी और समोसे पकौड़े भी होते सुबह के टाइम पर। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।